आप सभी का फिर से स्वागत है। स्क्रीन विजिबल है ना, आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? जी सर, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु, जो 5000 साल पुरानी परंपरा है वास्तु की, जिसे रुकु ऋषि ने हमें बताया है। ये जो परंपरा है 5000 साल से चली आ रही है। उन्होंने ज्योतिष के साथ साथ वास्तु हम किस तरह से करेंगे वो भी हमें उन्होंने बताया है। अष्टर्वर्ग जो है वो वैदिक वास्तु, वैदिक जो ज्योतिष है उसका एक आधार है, एक पिलर है, यानी एक एक डिवीजन है उसका। अपने आप में बहुत बड़ा विषय है अष्टर्वर्ग। उसके पूरी से एक अलग क्लास हो सकती है, 15-20 या 25 क्लासेस हो सकती है उसकी। मगर अष्टर्वर्ग जो है उसमें हम वास्तु में क्या प्रयोग करेंगे, किस तरह से प्रयोग करेंगे उसे हम लेंगे। तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ ज्योतिष नहीं है, वास्तु है। इसलिए हम थोड़ा सा परिचय लेंगे अष्टर्वर्ग का। अष्टर्वर्ग क्या है, उसे किस तरह से बनाया जाता है, ये थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर हम चलेंगे हमारे वास्तु के टॉपिक पे कि उसमें से हमें क्या लेना है, किस तरह से उसे हमें देखना है। तो ये जो आप शुरुआत हम करने जा रहे हैं, मुझे ज्ञात है त्यां तक पिछले 22 साल से मेरी प्रैक्टिस रही है वास्तु की और ज्योतिष की। तो मैंने ना कहीं देखा है कोई इसको सिखाता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसे, इस टॉपिक को कोई नहीं सिखाता है कि हम वास्तु करें अपनी कुंडली से, अष्टक वर्ग से हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नए नए लोग आए, उसने अपने अपने कुछ संशोधन किए अपने हिसाब से, समय के हिसाब से उस पर वो चल पड़े। और ये जो पुराना जो हमारा मूल तत्व है उसे हम भूल गए, उसमें जो समझे कि एक धूल चढ़ चुकी, परत चढ़ चुकी है, ये कोई जानता नहीं। तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ संशोधन नहीं किया, मैं आपसे पहले बता रहा हूं। ये जो बताया हुआ है वो शास्त्रोक्त है, जो मेरे एक एक शब्द यहां रहेंगे वो शास्त्रोक्त रहेंगे। मैं माध्यम हूं, जो गुरुजन ने मुझे, अपने गुरुजनों ने मुझे जो दिया है वो मैं आपको दे रहा हूं। और जिसके किस्मत होगा वो यहां पर आ पाएगा, ये भी आप जान लेना। सब नहीं आ पाते हैं, और ये विद्या न कोई सिखाता है और न ये कीमत में आगे आपको मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम सब हमारे गुरुजनों का धन्यवाद देते हैं, हमारे पितृदेव को धन्यवाद देते हैं कि हमें उन्होंने ये अवसर दिया कि इसे हम समझ पाए। और हमारे जीवन में और हमारे पास जो भी आते हैं, हमारे क्लाइंट हो, सगे संबंधी हो, मित्र वर्तुल हो, उसे हम ये बता पाए, ये ज्ञान बता पाए और वास्तु का सही रास्ता हम दिखाएं। तो पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अष्टर्वर्ग क्या है, फिर वो बनता किस तरह से। तो चले आगे शुरुआत करें हम, तो हम थोड़ा परिचय लेते हैं अष्टर्वर्ग का। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, अष्टर्वर्ग परिचय, और समय रहा तो हम आगे बढ़ेंगे भिन्नाष्टकवर्ग। ये दो पिलर है उसके, अष्टर्वर्ग के, एक समुदाय अष्टकवर्ग और दूसरा है भिन्नाष्टक अष्टकवर्ग। तो वो हम किस तरह से उसे हम देखेंगे, किस तरह से हम बनाएंगे अपनी कुंडली से, वो हम पहले देखेंगे, मैन्युअली देखेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर आपको सब निकाल के दे देगा, मगर हमें वो मैन्युअल आना चाहिए कि वो किस तरह से निकलता है। तो यहां हम अष्टर्वर्ग के बारे में बात करेंगे। हमारा मेन टॉपिक जो है वो अष्टकवर्ग नहीं है, यानी ज्योतिष नहीं है, इसलिए ऊपरी तौर पे हम थोड़ा देखेंगे उसका, वास्तु में किस तरह से प्रयोग करेंगे ये हम देखेंगे। फिर उसे किस तरह से बनाया जाता है उससे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे, ताकि आपको वो प्रैक्टिकल हो। देखिए अष्टकवर्ग के अंदर दो चीजें होती हैं। किसी भी घटना का यदि आपको विवरण करना है, हम अभी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हाँ अभी वास्तु पे नहीं आए हैं, हम अभी अष्टकवर्ग की बात कर रहे हैं। तो अष्टकवर्ग में दो चीजें होती हैं, किसी भी आप घटना को आपको बताना है, विवरण करना है आपको, तो एक होता है राशि और दूसरा होता है बिंदु, यानी पॉइंट, यानी उसे आप लाइन भी कहते हैं। एक होता है रेखा, दूसरा होता है बिंदु यानी पॉइंट।
तो फिर वो राशि में कितने पॉइंट है वो गिने जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, वो किस तरह से देख हम उसे कर पाते हैं। फिर अष्टक वर्ग में दो विभाग हो जाते हैं, एक समुदाय अष्टक वर्ग और दूसरा जो है भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग। समुदाय यानी सर्व वर्ग, सर्व का यानी सर्व का साथ मिला के, सबका साथ मिला के जो अष्टक वर्ग बनता है वो सर्वष्टक भी उसे कहते हैं हम, और भिन्नाष्टक यानी अलग 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 प्लानेट, जो हमारे पास प्लानेट है, हम यहां सात प्लानेट हैं, राहु केतु को हम यहां नहीं काउंट करेंगे या गिनते नहीं है राहु केतु को, सात प्लानेट और लग्न ये आठ हो गए ना, सात प्लानेट राहु केतु हम नहीं लेंगे, टोटल नौ प्लानेट है, राहु केतु छाया ग्रह माने गए हैं, तो यहां पे हम सात ग्रह लेंगे और एक लग्न, यानी टोटल आठ हो गए ना, तो इसलिए यह अष्टक वर्ग कहा गया है। हाँ, और भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग यानी जितने हमारे सात प्लानेट और एक लग्न, उनका सबका अलग अलग निकालना है, वो भिन्नाष्टक वर्ग यानी भिन्न भिन्न। और समुदाय यानी सारे के सारे जितने प्लानेट और लग्न मिलके, आठों मिलके पूरे चार्ट को कितना बल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये देखना है समुदाय से। तो ये दो अलग अलग पिलर है, दो अलग अलग पॉइंट है इसमें। तो सात प्लानेट और एक लग्न, आठ हो गए, तो इसलिए इसको अष्टक वर्ग कहा गया है। फिर किसी एक राशि में कोई प्लानेट कितना पॉइंट देता है वो हम इसी से देखेंगे, और अष्टक वर्ग को कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है जिसे हम आगे देखेंगे, सॉफ्टवेयर में आपको सब तैयार मिलता है, मगर हम मैन्युअली उसको देखेंगे किस तरह से हम उसको काउंट करेंगे, कैलकुलेशन किस तरह से होगा वो हम जानेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से उसे देखेंगे हम। तो हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे, तो देखिए, हाँ एक बात ये आपसे मैं और शेयर करना चाहता हूं, ये ज्योतिष की बात है, अष्टक वर्ग से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो अष्टक वर्ग से हम स्वयं का स्वास्थ्य देख सकते हैं, पहले हमारी मृत्यु का समय उसका आंकलन भी हम कर सकते हैं, हमारी मृत्यु कब होगी ये भी हम जान सकते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके मृत्यु के समय के बारे में भी हम अष्टक वर्ग से जान सकते हैं। ये ज्योतिष का विषय है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अष्टक वर्ग से। फिर हमारे भाई बहनों की संख्या कितनी होगी, एक भाई हमारा होगा, एक बहन होगी, या इस तरह से कितने भाई बहन होंगे उससे भी हम जान सकते हैं अष्टक वर्ग से। फिर हमारे संतान के जन्म का समय और कितनी संतानें हमें होगी ये भी हम अष्टक वर्ग से जान सकते हैं। हमारे विवाह का समय, प्लीज म्यूट रखें, हमारे विवाह का समय, अपने आप को म्यूट रखें ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। तो हमारे विवाह का समय या किसी और के विवाह का समय उसकी कुंडली के अनुसार हम उसे बता सकते हैं। आर्थिक संपन्नता वो भी हम देख सकते हैं, जिसका भी चार्ट है उसका, हमारा है तो हमारा, और किसी का चार्ट हमारे सामने है तो उसके लिए आर्थिक संपन्नता भी हम देख सकते हैं। नौकरी में कोई अड़चन है या ग्रोथ है वो भी हम उससे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने तो आपको कुछ अभी पॉइंट बताए हैं कि अष्टक वर्ग से हम कर सकते हैं, ये सारे ज्योतिष के पॉइंट है, ज्योतिष के पॉइंट पे विषय हम उसे देख सकते हैं, मगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अष्टक वर्ग बहुत बड़ा विषय है, उसका भी एक अलग से क्लास हो सकता है, उससे भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, मगर यहां हम उसमें से कुछ हिस्सा निकालते, यूं मान लो कि 10-20% निकाल के उसका वास्तव में हम उपयोग, वास्तव में हम प्रयोग करेंगे। प्लीज अपने आप को, मंगेश जी म्यूट करें प्लीज, मंगेश जी म्यूट करें, आपकी ओर से आवाज आ रही थी। तो अष्टक वर्ग से हम और आगे क्या कर सकते हैं, हमारा जो लग्न होता है चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर लग्न, सूर्य जो नव ग्रह होते हैं, चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि की शुद्धता शुभता अशुभता हम अष्टक वर्ग से जान सकते हैं, कौन सा प्लैनेट कितना शुभ है कितना अशुभ है,
मंगेश जी प्लस म्यूट करें, आपकी ओर से आवाज आ रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट सर, आप म्यूट कर दीजिएगा सर, आप कर दीजिएगा। मंगेश जी मेरी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करें अपने आप को। मैं म्यूट करूंगा तो सबका म्यूट हो जाएगा फिर, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बात करें मगर पीछे का कोई वॉइस ना आए, सबको कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से मैं म्यूट कर सकता हूं सबको, फिर वो कैद जैसा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे से वार्तालाप करें, कुछ समझे, मगर आप अपने आप को म्यूट रखें। जब खोलना है आप खोल के प्रश्न करें, बस प्रश्न जरूर करें, मैं ये कहता हूं। बाकी लोग कहते होंगे प्रश्न ना करें, मैं आपको कहता हूं समझ में ना आए पहले हाथ खड़ा करें, फिर हम प्रश्न लेंगे। बीच में ना बोले, आप हाथ खड़ा करें कोई डाउट है तो, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बराबर है? तो ये इतना एक जरा टॉपिक कंप्लीट करो राकेश जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखें। पंकज जी अपने आप को म्यूट रखें। फिर अष्टर वर्ग जो होता है वो, कोई भी ज्योतिषी जो अष्टर वर्ग को जानता है वो ग्रह की शुभता और अशुभता को रोक सकता है, उसे ब्लॉक कर सकता है। मान लो किसी के कुंडली में, एग्जांपल दे रहा हूं कि सूर्य बहुत खराब फल दे रहा है या शनि बहुत खराब फल दे रहा है, तो वो ज्योतिषी जिसे अष्टर वर्ग का नॉलेज है वो उसके खराब फल को रोक सकता है, ये उसके पास ताकत होती है। फिर अष्टक वर्ग बनाने के लिए रेखा और बिंदु का प्रयोग होता है। रेखा यानी एक लाइन होती है काउंट करने के लिए, जितनी रेखाएं ज्यादा, रेखा को शुभ माना गया है और जो डॉट होता है बिंदु उसे अशुभ माना गया है। तो जितनी रेखाएं ज्यादा होगी जो जो प्लैनेट देगा उतना वो शुभ फल देगा, जितने डॉट ज्यादा रहेंगे यानी बिंदु तो वो प्लैनेट उतना नेगेटिव असर देगा। हाँ वो हम आगे देखेंगे किस तरह से होता है। तो अष्टर वर्ग से सातों ग्रहों का और लगन का जो बलाबल होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्थिति होती है, वो हम अच्छी तरह देख सकते हैं। किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय जो ज्योतिष में है यहाँ पे जो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो अष्टर वर्ग आप जरूर देखें, उसका उपयोग आप जरूर करें। किसी का प्रिडिक्शन आपको करना है तो अष्टर वर्ग के सिद्धांतों का उपयोग आप अवश्य करें। अष्टर वर्ग से आप बहुत कुछ उसे बता सकते हैं, और सिर्फ आप भाव बल से ही बहुत कुछ बता सकते हैं, जो हम आगे हमारा एक टॉपिक है भाव बल का, उससे आप बहुत बता सकते हैं, बहुत कुछ। हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, आपके बच्चों के साथ आपको क्या रिलेशन है, आपको पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत कुछ बता सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। कहने का तात्पर्य अष्टर वर्ग अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अष्टर वर्ग को हमें फलित करने के लिए यानी देखने के लिए रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमें रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो उससे हम कैसा फल मिलेगा, कितनी रेखाएं, कितनी रेखाओं का क्या फल होता है, वो हम देखेंगे। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, तो आप देखिए। एक मिनट मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप अच्छे से, ये स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप कीजिए आप, तो कोई देख रहा है। अमोल जी दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। जितेंद्र जी दिख रहा है ना सबको? अब ये देखिए रेखाओं की संख्या क्या है, यहाँ को ये देखिए, यदि एक संख्या है रेखा की, अभी वो रेखा क्या है वो हम आगे देखेंगे, मगर आप ये ध्यान में रखना है आपको, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो ध्यान वो चिंता ना करें आप। हाँ यदि एक रेखा है तो वो कष्टपूर्ण स्थिति होती है। दो रेखा यदि आती है, किसी प्लैनेट को देता है दो रेखा, तो वो धन की हानि होती है वहां। तीन रेखा होती है, रेखाओं की संख्या यदि तीन है तो तनाव और मानसिक क्लेश रहेगा वहां। उसी तरह रेखा चार है तो वो न्यूट्रल है, ना शुभ ना अशुभ। पांच है तो सुख, यानी जितनी रेखाएं ज्यादा होगी, अब देखिए चार से जितनी बढ़ती जाएगी वो शुभ है, चार न्यूट्रल है, चार से कम है रेखा तो वो अशुभ है। पांच है तो सुख मिलेगा आपको, छह है तो धन लाभ होगा, सात रेखाएं हैं तो संपत्ति का लाभ होगा, और आठ रेखाएं हैं तो वो हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा वहां। तब ये रेखा क्या होती है वो आगे देखेंगे, मगर इस तरह से हम उसे, ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि किसी प्लैनेट ने हमें एक रेखा दी है तो क्या हम समझेंगे
अरे ये तो कष्टपूर्ण स्थिति है भाई, तकलीफ वाला काम है यहां, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी हम ज्योतिष पे हैं, वास्तु पे नहीं गए, हम ज्योतिष की बात करें। मैं आपको एक बेस बना के दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अष्टावक्र क्या है और अष्टावक्र से हम क्या क्या कर सकते हैं। वो आपका यदि फाउंडेशन थोड़ा ठीक रहेगा तो आप उसमें आगे जब बढ़ पाओगे। फिर तो ज्योतिष रिलेटेड भी आपका यहाँ थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे वैदिक ज्योतिष, जो ट्रेडिशनल ज्योतिष होते हैं, ये आपको मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक कुंडली आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। दिख रही है आपको कुंडली? हाँ, उसमें देखिए आप, दसवें भाव में 36 पॉइंट है और ग्यारहवें भाव में 30 पॉइंट है। ये दिख रहा है ना सबको? तो यहां ट्रेडिशनल जो ज्योतिष है, जो जानता है अष्टावक्र, वो क्या कहेगा? दसवां भाव हमारा किसका है? कर्म का है, काम का है ना, और ग्यारहवां भाव लाभ का है। तो ये व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है, ये व्यक्ति यदि 36% काम करेगा तो उसे 30% लाभ मिलेगा, यानी ज्यादा मेहनत कम काम, कम इनकम, यानी कम गेन। ये इतना समझ में आ रहा है? दसवां भाव हमारा कर्म का है, ग्यारहवां लाभ का है। यानी देखिए यहां पॉइंट जो है, ये पॉइंट 36 पॉइंट है और यहां कम पॉइंट है। यानी ट्रेडिशनल ज्योतिष हमें क्या कहता है कि इस बंदे को 36% जब मेहनत करेगा, 30% उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बराबर है? ये ट्रेडिशनल ज्योतिष कहता है। तो एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ, आपको ज्यादा मेहनत करनी है और आपको इनकम कम होगी, यानी आय कम होगी, या आपके जो भी सपने हैं वो कम पूरे होंगे, आपको गेन कम होगा, मेहनत ज्यादा करनी है। ये हो गया ट्रेडिशनल। इतना समझ में आ गया आपको? किसी को ना समझ में आया ऐसा है वो अनम्यूट करके बता सकता है। इतना समझ में आ गया? 12 भाव, 10वां भाव कर्म का है, उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट है, ये पॉइंट दिए हैं 36 के। वो कैसे आते हैं हम आगे कैलकुलेट करेंगे, मगर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से ये समुदाय अष्टावक्र है, बाकी भावों में भी ऐसे पॉइंट होंगे। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाया है कि यहाँ 36 पॉइंट है, ये 36 पॉइंट कैसे आते हैं वो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। मगर कहने का तात्पर्य क्या है कि ये 36 पॉइंट है यहाँ पे कर्म में, और प्राप्ति में कितने? 30। तो यानी ज्यादा मेहनत कम प्राप्ति, ये हो गया ना? इतना समझ में आया ना? इसके अलावा सर एक एग्जाम्पल और बता दे, इसके अलावा दूसरा है एग्जाम्पल, भरपूर एग्जाम्पल मिलेंगे। पहला बेस उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, पहले फॉर्मूले को आप समझ लीजिए। मैं एग्जाम्पल लाइव चार्ट पे दूंगा बना के, आप चिंता ना करें। इतना समझ में आ गया ना किस तरह से हम देखते हैं, बराबर है? तो ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। आप किसी ज्योतिष के पास गए, उसने ये देखा, जो जानता है अष्टावक्र को इस्तेमाल करता है, वो बोल देगा तो यार आपकी किस्मत में तो ज्यादा मेहनत कम लाभ है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसे बदल सकते हैं। अभी हम आते हैं रेमेडियल पार्ट पे। ये तो आपने प्रिडिक्शन कर दिया कि भाई आपको मेहनत ज्यादा करनी है, आपको जो बेनिफिट होगा या प्राप्ति होगी वो थोड़ी कम होगी, बराबर है? ये तो हमने प्रिडिक्शन कर दिया। अभी उसका उपाय क्या है, अब हम इसको हम बदल सकते हैं। अब इसको आप रेमेडी भी कह सकते हैं, किस तरह से हम इसका रेमेडी करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चार्ट आपके पास है, जो चार्ट आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, जो चार्ट आपके पास है उसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट किस में है। जैसे यहां दसवें भाव में है ना सबसे ज्यादा यहां, तो आपके पास कोई भी चार्ट में आप देखो, उसमें कोई भी भाव में कोई भी ज्यादा नंबर हो सकते हैं ना, बराबर है? तो उस भाव से, जिस भाव में सबसे ज्यादा नंबर है, उस भाव से आपको ग्यारहवां भाव काउंट करना है। आप समझने की भूल ना करें, जो सबसे ज्यादा पॉइंट आ गए, मान लो इसी को हम देखते हैं, इसी में, इसी चार्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट कहां है, 36 में है, ये दसवें भाव में है। तो ये दसवां भाव जो है, कहां से आप काउंट करोगे तो वो ग्यारहवां बनेगा। 9 तक आता है सर, मतलब नहीं, आपने कौन से भाव से आप काउंट करोगे तो ये 11वां भाव बनेगा आपका हाईएस्ट, 10वां भाव दे रहा है ना आपको, तो
तो हमें हाईएस्ट यानी हमें प्राप्ति ज्यादा चाहिए, तो दसवां भाव को हमें ग्यारहवां भाव बना देना है। यानी दसवां भाव कहां, कौन से भाव से आप काउंट करोगे तो जो ग्यारहवां भाव बनेगा दसवां। तो आप रिवर्स चलिए, दसवें भाव से रिवर्स चलिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, तो बारहवां भाव आ गया। बारहवां से आप काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। समझ में आया? कुंडली में जो भाव सबसे ज्यादा पॉइंट देते हैं उस भाव को पहले आप इंडिकेट कीजिए, मार्क कीजिए। मान लो यहां दसवां भाव आया सबसे ज्यादा पॉइंट वाला, बराबर है। तो अभी हमें रेमेडी क्या करनी है, वहां से अभी ये दसवां भाव कौन से भाव से ग्यारहवां बनेगा वो हमें देखना है। तो आप रिवर्स में काउंट कर सकते हैं, जो भी भाव है, मान लो तीसरा है तो तीसरा आप रिवर्स कीजिए, एक दो तीन चार पांच छ छ सात आठ नौ दस ग्यारह, तो पांचवा भाव हो गया। पांचवे से आप काउंट करोगे तो ये ग्यारहवां भाव हुआ ना। उसी तरह बारहवें से आप काउंट करोगे तो ये हो गया ग्यारहवां भाव। इतना समझ में आया? कुंडली के अंदर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, एक मिनट कुंडली निकालता हूं आपको, लाइव चार्ट दिखाता हूं। पहले आप सब लोग जो है वो ये जो सॉफ्टवेयर है पराशर लाइव 7, वो हो सके तो पहले आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ये काफी पुराना है। हाँ, तो शायद डाउनलोड करने में कहीं कहीं दिक्कत भी आए। और दूसरा है जगन्नाथ होरा, ये दो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री वाले हैं ये, जो मैंने काफी पहले किया हुआ है। तो कुछ लोगों का होगा या किसको कुछ दिक्कत आती है तो यूट्यूब में आप देख लीजिए कि पराशरी लाइट 7, अभी 9 वाला नया है वो पेड वाला है, वो पेमेंट देके आपको करना होगा, ईयरली ऐसा कुछ होगा उसका या एक साथ में होगा। हाँ, ये पुराना है, इसे आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड किसी को होने में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब में काफी वीडियो है किस तरह से डाउनलोड हम करते हैं वो आप देख लें। अब ये देखिए, ये एक चार्ट है बना हुआ, अभी हमें इसमें किस तरह से जाना है, ये लग्न चार्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको, ये लग्न चार्ट है, ये लिखा है बर्थ चार्ट ऊपर, ये बर्थ चार्ट लिखा है। अब हम इसमें आगे जाते हैं अष्टक वर्ग में, तो हम यहाँ जाएंगे, ये देखिए यहाँ रिपोर्ट पे हमें देखना है, ये जो रिपोर्ट है ना यहाँ लिखा हुआ है देखें, उस पर क्लिक करना है, फिर कैलकुलेशन पे जाना है, कैलकुलेशन किया आपने, फिर यहाँ पे आना है समरी पे, यहाँ देखिए ये अष्टक वर्ग लिखा हुआ है, अष्टक वर्ग समरी दिख रहा है सबको। फिर आप क्लिक करोगे तो ये सारे भिन्नाष्टक वर्ग है, यानी हर एक प्लैनेट के हैं, यानी सन का भिन्नाष्टक है, जुपिटर का है, इस तरह से अलग अलग ये प्लैनेट के हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम समुदाय में देखते हैं। हाँ, ये देखिए मैं इसको, हाँ अभी ये जो है ऊपर लिखा है, देखिए आप समुदाय अष्टक वर्ग लिख रहा है आपको सबको, इस तरह से निकल के आएगा वो, दिख रहा है कि और बड़ा करूं थोड़ा चार्ट बड़ा करूं। हाँ, ये जो है ना वो समुदाय अष्टक वर्ग है, सारे प्लैनेट का जो मिला के जुला के जो भाव है पूरी कुंडली में, ये यहां दिया हुआ है। हाँ, तो यहां इस तरह से होता है ये, मैं आपको यह बताने की थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां। अभी ये देखिए, ये पहला भाव है हमारा, उसमें 30 पॉइंट है, दूसरे भाव में 29, तीसरे भाव में 25, चौथे में 28, ये पॉइंट दिए हुए हर भाव में। यहां देखिए आप सातवें में 29, सॉरी नौवें भाव में 29, तो आठवें दसवें भाव में 42, नौवें भाव में 27, बारहवें भाव में 26। तो यहां हमें देखना है सबसे ज्यादा पॉइंट कहां है। जितेंद्र जी, सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से भाव में, अनम्यूट करके आप बताइए। आप देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट किस भाव में है, यहाँ दसवें भाव में, दसवें भाव में है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दसवें भाव को नोट करेंगे। अभी दसवां भाव कौन से भाव से ग्यारहवां होगा,
तो हमें जो भाव हमें सबसे ज्यादा मिले ना हमें रिवर्स लेना है, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 12वें भाव से हम काउंट करेंगे ना तो 10वां भाव 11वां बनता है। इतना समझ में आ गया? तो रेमेडी क्या है, यदि ये बंदा 12वें भाव से रिलेटेड काम करेगा तो उसे प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। समझ में आ गया कि क्या है? ये बंदा 12वें भाव से, क्योंकि 12वें भाव से 11वां कौन सा है? 10वां भाव, जिसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यह होगा उसको, तो वो 12वें भाव का काम करेगा। यदि विदेश चले जाएगा तो भी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो भी, इन्हें काफी फायदा होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा, यानी 12वां भाव से संबंधित जो भी वो कार्य करेगा उससे उसे फायदा होगा। इतना इतना समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है सबको किस तरह से हम ये पॉइंट को देखते हैं, काउंट करते हैं? ये एक रेमेडी हो गई। राकेश जी समझ में आ रहा है ना? अमोल जी, बबीता जी, आ रहा है सर समझ में? हाँ, तो ये समझ में आया जो भी सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, अभी जो 12वां भाव जो काम है तो क्या मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली वो तो नुकसान और हानि का है, तो उसका कौन सा काम? 12वें भाव से कुछ काम तो होता है ना, जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चले गए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं जमीन में, इसमें, उससे आपको फायदा ही होना है, ठीक है? तो 12वें भाव से जितने भी संबंधित काम है वो काम करें आप, ये बंदा तो उसे इसमें फायदा होगा। या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, जो बाहर की कंपनी है उसमें वो जॉब करें, चाहे इंजीनियर हो या जो भी हो, अकाउंट का है, जो भी अपने लाइन है उस हिसाब से, यदि कोई बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी में वो जॉब करेगा तो भी होगा, या विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करें, या फॉरेन चला जाए, वो बहुत पैसा कमाएगा यहाँ वहां से, समझे आप? अगर सर अगर वहां पे जो 26 है वहां अगर 21 होता, मतलब कम काउंट होता, मैंने उससे मतलब फिर, वो नहीं काउंट का, हमें ये देखना है चार्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट वाला कौन सा हाउस है। नहीं, वो नहीं सर, मैं 12वें मतलब अगर समझ लिए, मतलब समझ लीजिए कि 26 के वहां पे ना, जो 12वें भाव में 26 मतलब आ रहा है वहां पे, अगर वहां पे कम रहता 21 रहता तो उसको फिर सर 12वें भाव से काम होगा उसका? हाँ जरूर होगा, क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि वहां से जो 11वां भाव है वो उसे सपोर्ट कर रहा है। प्राप्ति तो 11वें भाव से होगी ना, हम कोई भी कर्म करेंगे कोई भी भाव से, बराबर, कोई दूसरे भाव से रिलेटेड काम करता है, कोई तीसरे भाव से रिलेटेड काम करता है, कोई सातवें भाव से संबंधित काम करता है, मगर उसे प्राप्ति कौन देगा? उसे 11वां भाव ही देगा ना। यस सर। तो 12वें से 11वां जो है ये 10वां भाव है, उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट है यहाँ। देखिए एस्ट्रोलॉजर को समझना ये बहुत ईजी है, बहुत इजी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। मान लो उसी तरह, मान जैसे आपको एग्जांपल दिया, हम इसी को देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे अभी ये तीसरे भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट है, ये 42 मान लो यहाँ पर है, बराबर है? तो यहाँ तो अभी हम आप रिवर्स चलिए, यहाँ से 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5वां भाव आया ना। तो 5वें भाव से संबंधित, या आप यहां से भी जो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहां मान लो कि 42 पॉइंट है यहां पे, तो ये बंदा 5वें भाव से संबंधित कार्य करेगा तो उसे फायदा होगा, क्योंकि इस यहां से 11वां भाव ये आता है और यहां सबसे ज्यादा पॉइंट है, 42 है। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि आपकी पहली संतान होने के बाद आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ होगा या आपकी प्रगति होगी। समझ रहे हैं उस तो उसको समझ रहे हैं, बेस को समझ रहे हैं, उस फॉर्मूला को आप समझ रहे हैं। आप उसे कह सकते हैं कि आपने जो आपकी जो पहली संतान होगी उसके बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, उसके बाद आपको लाभ ही लाभ होगा। या आप कह सकते हैं उसे कि आप फिल्मलैंड में चले जाइए, नाटक में चले जाइए, म्यूजिक में, संगीत में, उसमें चले जाइए, या बच्चों से संबंधित कोई कार्य करिए, यानी खिलौने की दुकान लगा दीजिए, उसमें आपको फायदा ही फायदा है, या ऐसा कोई क्रिएटिव काम करें तो उसमें आपको फायदा है।
किसी को सजेशन देने का काम करें। यदि आप ज्योतिष हैं तो वहां आप किसी का मार्गदर्शन दे रहे हैं, वहां या आप किसी भी फील्ड में हैं तो उससे आपको फायदा होगा। तो इस तरह से हम उसे देखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? ये अब तक हम देखिए, अब तक हम बेसिक में ही हैं। हाँ जी राकेश जी, हाँ आपका प्रश्न था बताइए सर। जैसे जो मैक्सिमम नंबर वाली बात तो हो गई, मैक्सिमम के बाद जो नंबर है सेकंड, जो उसके बाद कम नंबर है, उसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं क्या? जैसे किसी हाउस में 40 नंबर आया, इसमें 42 भी है, तो क्या 40 नंबर से भी उससे कुछ लाभ कम होगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते? नहीं, पॉइंट का भी फर्क रहेगा, तो जो हाईएस्ट है उसे हम काउंट करेंगे। मान लो कोई 40 है और दूसरा 40.3 है या 5 है, हम मान के चले, तो जो पॉइंट ज्यादा है, जिसके भी दो पॉइंट भी क्यों ज्यादा ना हो, हम हाईएस्ट स्कोर को यहाँ हम लेंगे। अच्छा, बराबर, सबको क्लियर है? किसको कोई डाउट है? तो ये अष्टर वर्ग जो है वो ज्योतिष में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बहुत आप इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वास्तव का ये टॉपिक नहीं है, मगर ये हमें जानना जरूरी है, थोड़ा आपको बेस समझ में आना चाहिए उसका, ताकि आपके पास कोई चार्ट आता है ना, आप वास्तु तो करोगे ही, साथ साथ में ये भी आप देख लिया करें कि भाई वो बंदा परेशान है, मान लो कोई काम से, या मुझे लाभ नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सीधा सा आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कि 11वें भाव में कम है या कर्म स्थान में ज्यादा है, यानी थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो उसको कम मिलेगा वो बेनिफिट उसका, उससे आप सलाह दे सकते हैं। इस तरह से आप करें, ये काम आप करें, तो इस तरह से हम इसे उपयोग ला सकते हैं, अष्टर वर्ग को हम देख सकते हैं। अभी हम इसमें भी वास्तु किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। ये आपने एस्ट्रोलॉजी देखा, हमने अभी रेमेडी जो की है वो एस्ट्रोलॉजी की है, ये हमने देख लिया। अभी हम वास्तु में से किस तरह से उपयोग करेंगे, तो जो भाव, मैं आपको फिर से एक चार्ट दिखाता हूं, एक मिनट वही चार्ट आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ में आए। जो भाव में सबसे ज्यादा नंबर है वो हमने देखा अभी, ये देखिए कौन से भाव में था, 10वें भाव में। अब यहां देखिए, हाँ यहां देखिए, आप सब लोग को मैं बता, सब वास्तु एक्सपर्ट है यहाँ पे, देखिए सारे वास्तु एक्सपर्ट है ना यहाँ, कोई आचार्य भी है, कोई वास्तु एक्सपर्ट भी है, कोई ज्योतिषाचार्य भी है, हाँ किसी ने 25,000 से वास्तु सीखा है, किसी ने 50,000 से वास्तु सीखा है, किसी ने 3,00,000 से भी वास्तु सीखा है, और किसी ने 1 से ज्यादा लोगों से भी वास्तु सीखा है, बराबर। अब भी देखिए यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं की पॉइंट क्या है वो देखिए, ये मैं आपको थोड़ा ये देखिए, ये समुदाय अष्टर्वग आपको दिख रहा है। अभी हमने अभी रेमेडी देखी, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी हमने देख ली कि 11वां भाव से हम कर लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको, 11वां भाव से जो उस भाव में ज्यादा पॉइंट है वो वहां से हम 11वां भाव से हम देख लेंगे। अभी वास्तु में हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हमें तो गेन चाहिए ना भाई। देखिए जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा पूर्तियां होती है ना, बाकी सब चीजें है ना छोटी मोटी गौण चीजें होती है। पैसा यदि आपको अच्छा आता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, तो बाकी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं ना वो बड़ी बात नहीं है। पहले तो प्राप्ति होनी चाहिए, धन से हो, मन सुख शांति हो, रिलेशन से हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हमारे जारे जितने भी सपने हो वो पूरे होने चाहिए, बाकी छोटी मोटी तकलीफें अपने आप चले जाती है। सब पैसा है तो सब कुछ चला जाता है, मेरा ये मानना है। तो यहां आप देखिए इस चार्ट में समुदाय अष्टर वर्ग में देखिए, अभी सबसे ज्यादा पॉइंट कहां है, 10वें भाव में है 42 पॉइंट। तो ये एक रेमेडी हमने कर ली एस्ट्रोलॉजी की, अभी हम चलते हैं वास्तु पे। अभी कौन से भाव में है ये आप मुझे बताइए, राकेश जी कौन से भाव में है ये 42 नंबर? ये आपके 10th हाउस में 10वें भाव में सर। तो 10वें भाव में कौन सी राशि है?
नू राशि आपके वृश्चिक राशि है सर। अभी वृश्चिक राशि की दिशा कौन सी होती है एस पर जो आपने सीखा समझा है? जी सर, अभी बताता हूँ सर। आप फोन में नोट है? हाँ, आप आचार्य हैं सर, फोन में नोट है। साउथ साउथ वेस्ट होती है, सब जानते हैं। अच्छा सर, जी सर। नरेश जी, आप भी वास्तु एक्सपर्ट है ना? जी सर। हाँ, तो आज के जो सिनारियो है, जो हम सीखते हैं सब जगह पूरे हिंदुस्तान में, सब टीचर हमें ये सिखाते हैं कि आठवीं जो राशि है, आठवीं जो राशि होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ साउथ वेस्ट होता है, बराबर है? सब जानते हैं आप, इससे सब एग्री है ना, बराबर। अभी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वहां पे आज के अच्छे से अच्छे जो ज्योतिषाचार्य हैं, यानी वास्तु आचार्य, यानी वास्तु जो सिखाते हैं, वास्तु गुरु कहेंगे हम, जो 25,000 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी लेते होंगे, वो हमें क्या कहते हैं कि आपको साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए, डिस्पोजल का जोन है वो। यस सर। आप सब मेरे से एग्री हैं? यस सर। ऐसा सीखते हैं हम, आपने भी सिखा है? मैंने भी सिखा है। हाँ, लाख रुपया देके भी हमने यही सिखा है कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट नहीं है तो या आप वहां डस्टबिन रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि विसर्जन का जोन है ना। जी सर। बबीता जी, आप सुन रहे हो ना? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। तो हमें क्या कहा जाता है, साउथ साउथ वेस्ट में या तो टॉयलेट होना चाहिए आपका, या फिर डस्टबिन होनी चाहिए सर। यही सिखाया गया है, सबको यही सिखाया गया है, बराबर है। अभी यहाँ अष्टावक्र क्या कहता है ये देखिए, कि इस दिशा को आपको, यानी जिस भाव में सबसे ज्यादा नंबर है उस भाव की दिशा में जो राशि पड़ती है, तो यहां आठवीं राशि आ गई, तो आठवीं भाव की राशि है साउथ साउथ वेस्ट, उसको आपको साफ सुथरा रखना है। उस डायरेक्शन को आपको साफ सुथरा रखना है, तो जाके आपको बहुत ही गेन होगा। अभी वहां आपका टॉयलेट आपने बना दिया एस पर जो अभी चलता है वास्तु, तो क्या होगा? अरे, आपने टॉयलेट नहीं भी बनाया, मान लो आपका टॉयलेट आपने रेडीमेड फ्लैट लिया हुआ है, अब मान के चलें, तो उसमें तो बिल्डर ने बना के दिया है, चलो वहां साउथ साउथ वेस्टमेंट नहीं है और कई जगह पे है, मगर आपको सिखाया गया है कि आपको साउथ साउथ वेस्टमेंट टॉयलेट या तो डस्टबिन रखना है, तो आप क्या करोगे, वहां डस्टबिन रखोगे, ठीक है जी सर। तो आप डस्टबिन रखोगे तो क्या होगा, मर गए सर, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका सब। ये फर्क है आज की जो वास्तु है ना उसमें और 5,000 साल पुराने वास्तु में। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई सारे वास्तु उपाय किए मगर फर्क नहीं पड़ रहा, या आप यूं मान के चले किसी का टॉयलेट नॉर्थ में है या किसी का किचन भी नॉर्थ में है, वो भी बहुत पैसे कमा रहा है, वो क्या मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है उसको, ऐसा क्यों होता है? यही रीजन है। अब इस बंदे ने यदि डस्टबिन साउथ साउथ वेस्ट में रख दी तो उसकी क्या हालत होगी, और ये प्रैक्टिकल लाइव चार्ट है। इस बंदे ने आज से 2009 में नया फ्लैट लिया और बहुत बड़े आचार्य से उसने वास्तु करवाया, जो 3 लाख देके आचार्य बनते हैं उनसे, तो उन्होंने क्या किया कि टॉयलेट तो उनका वेस्ट साउथ वेस्ट में था, वो कटबट वगैरह जो करवाया जो प्रोसीजर है वह डस्टबिन वगैरह उन्होंने यहां रखवाई। अब तब से इस बंदे का बेड़ा गर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बताइए आप। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं कुछ अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे पास केस है, लाइव केस स्टडी है सर। फिर वो आप पट्टी वाला जादू नहीं चला गया ऐसे कट मार के, यही सिखाया जाता है सर? हाँ, पट्टी तो चली गई है, वो तो अभी देखिए जो आचार्य हो गए उनसे आप पूछिए, मैं कुछ पट्टी तो चली गई सर के जी जी नरेश जी, नरेश जी सर अभी जल्दी है पूछना क्वेश्चन ये वाला, लेकिन सर वास्तु हमें कुछ बता रहा है, अब अष्टक वर्ग वास्तु हमें ये चीज बता रहा है कि हमें 42 सबसे ज्यादा मार्क्स हैं तो पॉइंट्स हैं तो हमें नहीं रखना है। एस्ट्रो वास्तु सर एक अलग चीज बताता है, वो स्टार्स के हिसाब से बताता है, तो सर हम किसको फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, अगर हम किसी को बताते हैं
तो लोग गूगल भी करते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो तो हमें इमीडिएटली कह देंगे नहीं यार आप गलत बता रहे हो। तो उसको बताइए जो आप कर रहे हैं वो करके देखिए, दो साल बाद मेरे पास आना। देखिए ये जो है ना, अभी आप शायद राकेश जी को नहीं जानते हैं, वो तीन लाख देके वो आचार्य बने हैं साहब। तो कहाँ बने, कैसे बने, उनको पूछिए आप। वो तो एक है, बाकी जितने भी गुरुजन है सबका उन्होंने पानी किया है, सब घाट का। तो कौन सी पद्धति असर करती है नहीं करती है, तो आप उनसे पूछ लेना। उनका नंबर भी राकेश जी आपका नंबर ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि कुछ डिस्कस करना हो तो आप उसको हेल्प भी कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो किसी का नाम लेके हम ये नहीं चलते, मगर कहने का तात्पर्य है, बहुत बड़े वास्तु शास्त्री भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत बड़ा इनका खुद का अपना नाम है, अपना काम है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनको मेरे से प्रेम है, इसलिए मेरे सारे क्लासेस में करते हैं वो, ये अलग बात है। मतलब जानते सब कुछ है, और क्या करना क्या नहीं करना वो भी वो करते हैं, उसको समझ में अच्छी तरह से। तो जैसा आपका जो टॉपिक है ना, आप एक बार अष्टक वर्ग को अप्लाई करके आप देखिए, बाकी वास्तु तो आपने अप्लाई किए ही हैं। जी, जैसे अभी पट्टी की बात हो रही थी, या एक वर्चुअल एंट्री की भी यहाँ टॉपिक आता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो जो मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं आपको कैसे सिखाऊं 22 साल में। अष्टक वर्ग तो सब पूरी तरह से काम करता है 1000%। तो ये जब आप जैसा आगे बढ़ोगे ना नरेश जी, तब आपको सारी परतें खुलती जाएगी। मैं ये किसी को गलत ऐसा नहीं बता रहा हूँ। देखिए, हमें मान लो PhD करना है किसी भी टॉपिक पे, तो ABCD तो सीखनी होती है। हाँ, KG नर्सरी, KG फर्स्ट स्टैंडर्ड, इस तरह से 10th 12th कॉलेज ग्रेजुएशन, ये सब पढ़ना होता है, ये हमारे पढ़ाव है। आप कोई किसी भी टीचर से सीखे, आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए भाई, इतनी दिशाएं होती हैं, इतने देवता होते हैं, हाँ ये एंट्रियां होती है, ये इतने तत्व होते हैं, ये सब बेसिक है। सर अष्टक वर्ग तो पति पत्नी का स्वभाव ही बता देता है, कैसी पटेगी क्या नहीं पटेगी। तो ये हाँ, फिर उसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है ये देखिए। वास्तु के अपने नियम है, वो गलत नहीं है, मगर वो नियम क्या मुझे असर कर रहे हैं। जैसे बुखार के लिए पैरासिटामोल हम लेते ही हैं, सबके लिए है, उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर क्या मेरे बुखार को वो पैरासिटामोल असर करेगी, या मुझे मलेरिया है या टाइफाइड है या डेंगू है, वो तो लेबोरेटरी से ही पता चलेगा ना। सिर्फ पैरासिटामोल दे दिया तो हो सकता है एक आध दो दिन आराम हो जाए, फिर वापस आ जाएगा वो, जब तक दवा की असर रहेगी वो है। उसी तरह जब आप जनरल वास्तु से जो वास्तु करते हैं, तो आपका ना जो वास्तु करने वाला होता है ना, उसकी नियत, उसके कर्म, उसकी पवित्रता से आपको रिजल्ट मिलता है। हो सकता है उससे आपको टेम्परेरी कुछ रिजल्ट मिल भी जाए, मगर वापस वो ना वो दिक्कत आनी ही है, जब तक आप उसके जड़ में नहीं जाओगे। जड़ है 5000 साल पुराना, तो 2000 साल भी हम नया ही गिनते हैं। 2000 साल के बाद काफी लोग आए नए, अपने अपना रिसर्च किया, तो इसे आप अच्छी तरह समझे। और ये मैं आपको इसी तरह से समझा रहा हूं, आप इसे समझे कि इसे हम वास्तु में किस तरह से जड़ क्या है उसकी। जब तक आप इसे नहीं समझोगे, तब तक आपको वास्तु में 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है जो कर्म आपने किए उसे आपको 100% मिलना हो, या अभी 10-20% मिल रहे हैं, आपने वास्तु किया ठीक है, हो सकता है बहुत कम मिल रहे हैं उससे। तो ये हम इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा वास्तु के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसमें किसी को कुछ समझ में ना आए, तो ये एक रेमेडी हो गई। आप इस तरह से भी अष्टक वर्ग से जो भी डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा आप रखें। साफ सुथरा रखें यानी कि मतलब क्या हो गया, जो आपने सीखा है वहां एंटी कलर नहीं होना चाहिए, एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एंटी शेप नहीं होना चाहिए, ये तो हमने सीखा ना वहां KC में फर्स्ट स्टैंडर्ड में, यही हमें वो काम आएगा। वास्तु का ये ज्ञान जो है ना, वो हमें वो गुरु ने दिया है, उसे सैल्यूट है, धन्यवाद कीजिए आप उसे कि आपको उन्होंने ये सिखाया है। अभी उससे हमें यूटिलाइज कहां करना है ये हम अभी देखेंगे। देखिए ABCD सीखना जरूरी है, वो हमको उन्होंने सिखाया, तब जाके हम आगे भाषा कर पाएंगे ना। ABCD आने के बाद ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ABCD जिसने हमें सिखाया उसके लिए सैल्यूट है, धन्यवाद है, उन्हें गलत नहीं किया है, मगर अभी किस अक्षर को कहां जोड़ के हमें क्या सेंटेंस बनाना है
वो हमारे ऊपर है, हमारे नॉलेज के ऊपर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको एक से एक गुरु मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई एक गुरु ही सर्वज्ञ होता है। आपने केजी में पढ़े, कोई टीचर था फर्स्ट में, कोई टीचर है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, इंटरनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कितने पैसे देखिए आप कौन सा क्लास कर सकते हैं ये बात नहीं बता रहा हूं मैं, आप जैसे जैसे अंदर से आपके पास वो स्ट्रेंथ आएगी, वो नॉलेज बढ़ेगा, वैसा वैसा आपको गुरु मिलते जाएगा। आपको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, गुरु आपके पास आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप उसके लायक बन जाओगे ना तो गुरु आपके पास आएगा, किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे गुरु ने मुझे कहा है और मैं आपको कहता हूं, और मुझे मेरे गुरु यही मिलते हैं। आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, चाहे आप किसी भी तरह से हो, सोते हो, बैठे हो, किस तरह से अपने गुरुजन को याद करें, उसके आशीर्वाद लें, सब कुछ अपने आप रास्ता खुलता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। मुझे ऐसा मिला है, मैं आपको ये बता रहा हूं। कोई भी गुरु हो इस जगत में आपको मिलेगा, आपका अगला स्टेप आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको कहां जाना है, कैसे करना है, तो आप यहां तक पहुंचे हो तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ऐसे आके कोई नहीं बैठता है, यहां बहुत सारे लोग हैं। 10,000 ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया कोई नहीं भर सकता, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग। हाँ, अभी लाल किताब कहती है यदि आपके घर में, आपका कुंडली में चौथा भाव में गुरु है तो आप घर में मंदिर न रखें, या लड़के के सातवें भाव में जुपिटर है जन्म कुंडली में तो घर में मंदिर न रखें, गृहस्थी खराब, ये लाल किताब कहती है। हाँ, यदि वहां पे वो राशि आ गई तो हो सकता है वहां दिक्कतें हो, तो बहुत बड़ा फील्ड है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी है। ठीक, ये तो बहुत बड़ा समुन्द्र है, कौन सा लोटा भर के पानी कहाँ डालना है, ये हमारे गुरुजन के मार्गदर्शन से ही होता है। तो अब हमें जो आप सीखे हो उसका हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा कहाँ करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से कम मेहनत से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, उस दिशा को साफ करते हैं। आगे बढ़ना है, आप सबका स्टेमिना है, बढ़ना है, एक मिनट आगे बढ़े, ये सब थके हो, हम तो तैयार है सर, और लोग जो भी कर, इंटरेस्ट आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है। चलिए फिर एक टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं, आज का टॉपिक पूरा करते हैं। अभी हम भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग की बात करेंगे, समुदाय को बाद में देखते हैं। भिन्नाष्टक यानी अलग अलग जो ग्रह होते हैं ना, उसके हम समुदाय वो किस तरह से निकालेंगे, अष्टक वर्ग किस तरह से निकालेंगे, उसका मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक वास्तु है, वो नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग, तो ये देखिए आपको स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ, तो ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग हमें निकालना है, किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये एक चार्ट है, आपको दिख रहा है, चार्ट विजिबल है ना। हाँ सर, यहाँ स्वयं लिखा है, स्वयं यानी किसका, किसका है चार्ट बनाना है हमें, सूर्य का। हाँ, तो सूर्य का बनाना है ना, तो ये हमने सूर्य से लेना है, स्वयं से। तो आपके पास 12 भाव होते हैं कुंडली में, तो सूर्य कौन से भाव में बैठा है वो पहले आप देखना है। सॉरी, तो सूर्य स्वयं से पहला भाव, दूसरा, ये आपको याद रखना है, फिर आपके पास ये मिल जाएगा आपको, मगर आप याद रखें, स्वयं से यानी पहला सूर्य, मान लो कि पहले भाव में बैठा है, तो पहले भाव से, तो पहला भाव स्वयं से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो है ना, ये शुभ है अपने से, ये इतने भाव शुभ है। तो इसमें कौन सा भाव नहीं है, देखिए 1, 2, 3 नहीं है, तो 3 अशुभ है, फिर 5 भी नहीं है देखिए, और 6 भी नहीं है, ये अशुभ है, और 12 भी नहीं है देखिए यहाँ, तो इनके लिए 4 भाव अशुभ है, यानी ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए आप यहाँ काउंट करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी सूर्य से ये जितने स्थान है ना कुंडली में, ये शुभ है,
यानी एक कुंडली में आठ जो स्थान होते हैं वो सूर्य के लिए शुभ होते हैं, यानी सूर्य से आपको काउंट करना है, सूर्य जिस भाव में बैठा हुआ है कुंडली में वहां से, तो कुंडली से सूर्य से स्वयं यानी पहला भाव खुद जहां बैठा, मानो लग्न में बैठा है तो पहला भाव शुभ हो गया, फिर दूसरा भाव भी शुभ है, फिर यदि तीसरा है अशुभ है, चौथा शुभ है, पांचवा अशुभ, छठा अशुभ, सातवां भाव शुभ, आठ नौ दस और ग्यारह ये शुभ है, बारहवा भाव यह नहीं, देखिए शुभ स्थान में नहीं है तो ये अशुभ हो गया। उसी तरह आप चंद्रमा को देखिए, उसी चार्ट में चंद्रमा से तीन छह दस ग्यारह ये शुभ है, तो ये चार हो गए ना, चार स्थल जो है वो शुभ है, बाकी जो है आगे एक दो अशुभ हो गए, चार पांच अशुभ है, फिर सात आठ नौ ये अशुभ है, और बारह यहां देखिए दस ग्यारह है ये शुभ स्थल है, बाकी जो नहीं है एक से बारह तक वो अशुभ है, तो यहां चार हो गए। देखिए ये चार स्थल जो होते हैं वो शुभ है, यानी हम अभी सूर्य का भनाष्टिक भिनाष्टिक पर किस तरह से बनाइए वो आप समझिए, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है और आप ध्यान से समझिए, हाँ जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर समझने की कोशिश करें। हाँ चंद्र से ये जो है ये शुभ जगह है, जिसे हमने आगे देखा ना, जो रेखाएं होती है वो शुभ होती है, बिंदु होती है वो अशुभ होते हैं। तो यहां देखिए अब जैसे गुरु है, गुरु से अपने से पांचवा भाव शुभ है, छठा भाव शुभ है, नौवां शुभ है और ग्यारहवां शुभ है, तो बाकी के जो है एक दो तीन चार यहां वो अशुभ है, बीच में सात आठ ये अशुभ है, दस और बारह ये अशुभ है, ये टोटल कितने हो गए शुभ स्थल, एक दो तीन चार, ये चार हो गए। तो ये गुरु के लिए, गुरु ने इसमें चार पॉइंट दिए, यूं समझ के आप चलिए, ये हर एक प्लैनेट अपना अपना पॉइंट देता है इसको। अभी सूर्य को स्वयं सूर्य ने कितने पॉइंट दिए, आठ, ये शुभ है उसके लिए। चंद्रमा ने चार पॉइंट दिए सूर्य को, गुरु ने चार पॉइंट दिए। उसी तरह मंगल, मंगल से स्वयं से एक दो चार सात आठ नौ दस और ग्यारह ये शुभ स्थल है मंगल से, तो मंगल सूर्य को आठ जो पॉइंट देता है शुभ देता है, बाकी जो है ये तीसरा पांचवा छठा फिर बारहवा ये अशुभ है, यानी ये चार भाव उसने अशुभ दिए, तो मंगल इसको ये सपोर्ट कर रहा है आठ भाव से, आठ पॉइंट देके सूर्य को। देखिए ये जो भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग हम पूरा बना रहे हैं ना, ये सूर्य का बना रहे हैं। हाँ तो फिर आगे हम किस तरह से बनाना वो हम देखेंगे, ये एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। शुक्र है अपने से छठा सातवां और बारहवां शुभ फल देता है, यानी शुभ देता है, शुभ स्थान है, तो वो तीन नंबर देता है, तीन पॉइंट देता है सूर्य को। उसी तरह बुध तीन पांच छ नौ दस ग्यारह बारह ये शुभ स्थान है बुध से, बुध ने सात दिए देखिए यहां। तो हर एक प्लैनेट सूर्य को इतना सपोर्ट कर रहा है अपने अपने हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से। शनि जो है उसके लिए शुभ स्थान कहां से है, एक दो चार सात आठ नौ दस ग्यारह ये शुभ है, तीन पांच छ और बारह ये अशुभ है। तो यहां सूर्य ने देख, शनि ने देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये आठ जो भाव है ये पॉजिटिव है यानी शुभ स्थल है, यानी आठ पॉइंट दिए शनि ने सूर्य को। उसी तरह लग्न में आप देखोगे तो तीन चार छ दस ग्यारह बारह टोटल छह है, तो ये कुल कितना हो गया, ये आप करोगे ना, ये आप टोटल इसका लगाओगे आठ चार ये सब टोटल करोगे ना, तो 48 आएगा यहाँ। तो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में ये टोटल आता है ना, ये 48 आता है। ऐसे हर प्लैनेट के अलग अलग होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, हर प्लैनेट का ये जो सिनेरियो है ना शुभ स्थान का वो अलग होता है, ये सूर्य का है। सर ये पूछ रहा था जैसे ये किसी पत्रिका है या ये जनरल? नहीं ये जनरल है, नहीं ये जनरल है, ये तो, सूर्य का भिन्नाष्टक आपको यदि निकालना है तो इस तरह से आप निकालोगे, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे, मैं आपको आगे बताता हूँ आपको। हम जैसे सूर्य का निकाल रहे हैं तो सूर्य का आप एक मिनट समझ लीजिए, सूर्य का आपको भिन्नाष्टक वर्ग निकालना है किसी भी चार्ट में बराबर जी, तो पहले बेस इसका ये है, कहां लोगे तो आपको उसमें मान लो सूर्य, आप जिस कुंडली से बात कर रहे हैं उसमें मान लो सूर्य पांचवें भाव में मान के चले जी, तो यहां क्या लिखा है देखिए, यहां स्वयं से यानी सूर्य पांचवा भाव में है तो पांचवें भाव, तो पांचवा भाव हो गया वो शुभ है, फिर दो पांचवें से दूसरा छठा भाव,
पांचवे से दूसरा छठा हुआ ना। अच्छा पांचवे से दूसरा भाव कौन सा हुआ? हाँ छठा हुआ सर। फिर चौथा? आठवां भाव हुआ। हाँ सर जी सर। फिर सातवां? जी। इस तरह से ये भाव शुभ है। अच्छा उसी तरह चंद्रमा, उसमें देखिए आप जहां चंद्रमा बैठा है, मान लो कि सातवें भाव में चंद्रमा बैठा है तो सातवें भाव से तीसरा यानी सात आठ और नौवां भाव शुभ है। फिर वहां से छठा देखिए, ग्यारहवां शुभ है। फिर दसवां भाव देखिए और ग्यारहवा देखिए। तो इस तरह से चार भाव शुभ फल देंगे यानी चार पॉइंट देता है चंद्रमा इसको। इस तरह से देखेंगे, ये बेस है सूर्य के लिए। इसी तरह ये हर प्लैनेट के लिए अलग है। तो सर सर जो सूर्य की महादशा अंतर्दशा चलेगी उसमें मून इन्हीं भावों में शुभ फल देगा। हाँ जी यही मतलब हुआ ना सर। यही मतलब हुआ, यहाँ आपने पकड़ा है। ठीक है तो ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक प्लैनेट का मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। ये सूर्य का जो है ना, ये फॉर्मूला सूर्य का है। उसी तरह चंद्र का अलग हो सकता है, हाँ मंगल का अलग होता है, शुक्र का अलग होता है। ये हमें जो है ये हमें समझना है, ये हमारे पास रहेगा रेडी समझो। तो सूर्य का फोर्नास्टा को हमें निकालना है तो हम ये देखेंगे इतने सूर्य में 48 पॉइंट होते हैं नीचे टोटल। उसी तरह हर प्लैनेट के अलग अलग होते हैं। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सर इसका मतलब सूर्य जिस हाउस में बैठा है वो तो शुभफल पहला तो शुभफल देगा ही देगा हमेशा। हाँ जी तो ये टेबल की आवश्यकता होगी आपको। सूर्य का यदि विनाशक बनाओगे ना, सूर्य किन किन भावों में शुभ परिणाम देगा और किन किन भावों में अशुभ परिणाम देगा यह हमें याद रखना है। जो भाव इसमें नहीं लिखे हैं वो अशुभ है, बराबर। तो यहां स्वयं यानी सूर्य खुद किन किन भाव में शुभ परिणाम देगा। मान लो जैसे मैंने आपको बताया सूर्य लग्न में है तो वो लग्न से किन किन भावों में शुभ फल देगा। तो सूर्य पहला भाव जैसे हमने अभी चार्ट में देखा, एक फिर दो दूसरे भाव में, फिर चार चौथे भाव में, हाँ देखा ना आपने जी सर, चौथे भाव में, फिर सातवें भाव में, आठवें में, नौवे में, दसवें में और ग्यारहवें में, इतने भाव में वो शुभ फल देगा। बाकी के भाव में यदि है तो वो नेगेटिव असर देगा। हाँ बाकी जो बच गए कितने, तीन पांच छह और बारह, चार भाव बच गए ना फिर सूर्य में, वो अशुभ फल देंगे हमें। इस प्रकार सूर्य खुद अपने से आठ रेखाएं देगा, इसको रेखाएं कहते हैं। जो पॉजिटिव स्थान देते हैं ना उसको हम रेखा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, ज्योतिष की भाषा में रेखा और बिंदु इस तरह से दिया गया है। शुभ स्थान है उसको रेखा यानी एक लाइन बनाते हैं, जैसे हिंदी में फुल स्टॉप होता है ना, जैसे वो एक लाइन बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए। कितने पॉइंट दिए सूर्य ने? आठ रेखाएं दी। कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह से बोला जाता है सूर्य ने आठ रेखाएं दी और बिंदु यानी ये चार है ना, एक मिनट, ये तीन पांच छह और बारह जो नेगेटिव हाउस थे वो बिंदु हो गए, समझे आप? अच्छा सर, अगर जैसे सूर्य पहले हाउस में बैठा, सूर्य की राशि तीसरे हाउस में बैठी है तो वो तीसरा हाउस तो नेगेटिव उसके हिसाब से सूर्य कहाँ बैठा है वहां से आपको काउंट करना है। तो सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य की राशि तीसरे हाउस में, माना सूर्य पहले हाउस में बैठा हुआ है तो पहले हाउस से काउंट होगा स्वयं से। ठीक है और अगर सूर्य की राशि थर्ड हाउस में बैठी हुई है सूर्य की राशि तो वो तो नेगेटिव हो गया उसके लिए सूर्य के लिए। अच्छा तो सूर्य जहां से बैठा है वहां से हम काउंट करेंगे, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से भिन्नाष्टक वर्ग अलग अलग बनते हैं। हाँ ये जो चार्ट मैंने आपको बताया ना वो इस तरह से हर एक प्लैनेट के अलग अलग होते हैं, मगर वहां मैं डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज्योतिष नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हाँ ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया कि हम किस तरह से उसको बना सकते हैं ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई इस तरह से सारे जो है लग्न और सात प्लैनेट उसके हर एक के अलग अलग विनाशक वर्ग बनते हैं, विनाशक वर्ग हम उसे बनाते हैं तो वो आपको समझ में आ जाए। हाँ जैसे एक मिनट, हेलो जी सर आगे बढ़े? हाँ बढ़ सकते,
हमें तो अच्छा लग रहा है सर। नहीं फिर जी सर, जी सर मैं तो यहाँ से देता रहूंगा, आप लोगों का फिर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर से चली जाए और आपका ध्यान पलंग की ओर हो तो वो भी अच्छी बात नहीं, या खाने की ओर हो तो वो भी अच्छा नहीं है ना। चलो एक टॉपिक ले लेते, सिर्फ इस किस तरह से बनाते हैं सूर्य का बन्या अष्टकवर, एक हम पूरा चार्ट वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको और भी थोड़ा दे देता हूँ, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ किस तरह से बनता है, देखिए। हाँ हम उसको पूरा कर लेते हैं ताकि आज का हमारा टॉपिक पूरा हो जाए। हाँ मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये दिख रहा है ना आपको सूर्य के विन्याष्टक वर्ग का निर्माण हम किस तरह से करेंगे। हाँ ये एक चार्ट है आपके पास, ये दिख रहा है आपको, ये कुंडली दिख रही है जी सर। हाँ ये कुंडली है, इसमें सब ग्रह हैं, राशियां हैं, बराबर। अब इसी कुंडली से हम सूर्य का विन्याष्टक वर्ग निर्माण करेंगे। तो यहां हम लग्न को नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखें आप, यहां सॉरी लग्न नहीं, यहां जो हम सात प्लैनेट राहु केतु को हम नहीं गिनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ और ये अभी सूर्य का है, सूर्य को ये सारे जो प्लैनेट हैं और लग्न है क्या क्या रेखाएं देते हैं, कितना बल देते हैं, शुभ देते हैं, वो हम देखेंगे। अभी हमने देखा, देखिए ये अभी सूर्य कहां बैठा है ये देखिए आप, इसमें ये सेवंथ राशि में ये देखिए, ये जो है ना राशि है, बारह बारह राशियां, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृषभ वृश्चिक धनु मकर कुंभ राशि सॉरी मीन, ये बारह हमारी राशियां हैं, आप सब जानते हैं ना पंकज जी, पंकज जी बराबर है जी सर, जी सर सब जानते हैं ना, ये बारह राशियां हैं, ये प्लैनेट है हमारे, और कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट क्या फल देता है हम देखेंगे। देखिए सूर्य मेष राशि में, तो यहां देखिए ये चार्ट हमने जो आगे देखा था ना राकेश जी, जी सर सूर्य का है स्वयं से, एक दो चार सात ये शुभ है आठ बराबर, तो सूर्य कहां है ये देखिए आप, तो सूर्य सर सातवीं राशि में बैठा, सातवीं राशि में सूर्य जो है वो दूसरे भाव में, सातवीं राशि दूसरे भाव में बराबर, जी सर जी सर, वो अपने से पहला, अपने से पहला यानी खुद ये दूसरा भाव आ गया ना, तो दूसरा भाव तो शुभ है ना अपने, यानी मेष राशि जो हो गई वो देखिए आप, एक दो तीन चार पांच छह और सात हो गए ना, अपने से सातवीं मेष राशि आ गई ना यहाँ, जी सर जी सर। हम यहाँ देखिए मेष राशि में सूर्य क्या फल दे रहा है वो हमें देखना है, तो मेष राशि में आपको यह काउंट करना है स्वयं से, एक दो चार छह सात, सात शुभ है ना जी, तो मेष राशि में सूर्य कौन सा कितना नंबर आ रहा है, एक जहां से बैठे ना वहां से काउंट करना है, एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी शुभ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लाइन करेंगे, मन यह एक लिखा है यानी ये लाइन है, ये पॉजिटिव है बराबर। फिर वृषभ राशि में, तो यहां से आठवां हो गया, ये सातवां हो गया वृषभ, आठवां हो गया, तो आठवां शुभ है, तो सूर्य स्वयं से आठवां शुभ है, तो हमने यहाँ एक लिखा यानी ये पॉजिटिव है, यहां मैंने एक लिखा है वो पॉजिटिव है बराबर। अबे मिथुन राशि में सूर्य क्या फल देगा, तो मिथुन राशि में ये नौवा हो गया ना, ये सातवां हो गया, आठवां और नौवा, मिथुन राशि नौवीं पड़ती है ना, तो नौ तो नौ शुभ है ना, यहाँ पे देखिए सूर्य से नौ जी, तो ये भी, तो हमने मिथुन में क्या लिखा, एक लिखा। फिर कर्क राशि, तो कर्क राशि तो यहाँ है, तो सूर्य से कौन सा नंबर आया कर्क का बताइए, ये नौ हो गया ना, तो ये दस हुआ ना जी, यहाँ से कर्क, यहाँ से सूर्य से ये दसवीं हो ना कर्क राशि, तो कर्क राशि में क्या है दस यानी पॉजिटिव नेगेटिव, जी सर पॉजिटिव सर, तो हमने पॉजिटिव लिया। अभी सिंह राशि में सूर्य क्या फल दे रहा, देखिए तो सिंह राशि कहाँ है, यहाँ पर है, तो सूर्य से कौन सा नंबर आ गई, सूर्य से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारहवीं आ गई, जी सर ग्यारह आ गई, तो सूर्य से सिंह राशि ग्यारहवीं है, तो ग्यारहवीं शुभ है ना, देखिए यहाँ जी सर सूर्य से ग्यारहवां स्थान जो है शुभ है, तो यहाँ भी वो शुभ फल देगी, तो हमने क्या किया सिंह में पॉजिटिव यानी एक लाइन बना दी यानी वन लिखा यहाँ, ठीक है। फिर अभी कन्या में आगे बढ़ते हैं, सिंह के बाद कौन सी राशि आएगी, कन्या, तो कन्या राशि जो है वो सूर्य से कौन से भाव में है, कितने दूर है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारहवा है ना जी,
तो बारहवा तो यहाँ अशुभ है, देखिए बारहवा नहीं है यहाँ, नहीं है, तो हमने क्या लिखा कन्या में जीरो लिखा, जीरो अशुभ है, जीरो यानी अशुभ माने आप, ठीक है। फिर आगे तुला में चलते हैं, तुला राशि में, अभी तुला जो है तो खुद तुला में यानी पहला स्थान हो गया, वो तो शुभ है, खुद बैठा है ना सूर्य स्वयं से, स्वयं से फर्स्ट तुला, तो हमने क्या किया तुला में प्लस एक लिख दिया, यानी ये शुभ है। फिर आगे वृश्चिक राशि जो है उसमें सूर्य क्या फल देगा, पॉजिटिव, तो वो कैसे आया, तो अपने से दूसरा, सूर्य से ये दूसरा भाव हुआ ना, सूर्य से दूसरा, तो यहां देखिए दूसरा पॉजिटिव है, तो हमने यहां वृश्चिक में एक लिखा यानी पॉजिटिव। उसके बाद धनु में चलते हैं आगे, ये धनु जो है ना ये तो अपने से सूर्य से तीसरी राशि हो गया ना, ये एक जी सर, दो तीन तीसरा भाव यानी तीसरी राशि शून्य आ गया। हाँ, तो यहाँ नौ है, तो नौ पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ क्या लिखा धनु, सॉरी ये मिस्टेक है, ये नौ है ना, सॉरी अपने से ये गलती हो गई, यहाँ देखिए तीसरी एक दो तीन, तो तीन तो यहाँ है नहीं, तो अशुभ है ना जी सर, तो यहाँ हमने क्या लिखा धनु में शून्य, हाँ शून्य लिखा सर। फिर मकर पे चलते हैं, मकर यानी दस नंबर जी, तो अपने से एक दो तीन चार, तो यहाँ देखिए चार शुभ है जी, तो सूर्य अपने से चौथे भाव में या अपने से चौथी राशि में आ गए, जो भी आप समझे वो पॉजिटिव देगा फल। फिर अपने से पांचवे स्थान में, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पांच तो नेगेटिव है, देखिए है ही नहीं कहीं शुभ में, तो पांचवी कौन सी आ गई कुंभ, हाँ अपने से, और ये बारहवीं राशि जो है मीन, तो एक दो तीन चार पांच छह, छठा स्थान भी जो है अपने से यहाँ नहीं है अशुभ है, तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया, बराबर है। तो यहाँ तो इस तरह से हमें काउंट करना है, हमने सूर्य का देखा तो सूर्य से काउंट करना है, मगर देखना यहाँ है अपने से कौन सा शुभ है, उसी तरह आप चंद्र को देख सकते हैं, यहाँ देखिए चंद्र अपने से तीन छह दस ग्यारह शुभ है, तो चंद्र कहाँ है देखिए आप, ये है पहली राशि में, तो पहली में है ना जी, तो अपने से पहली में शुभ है क्या ना, अशुभ है ही नहीं, तो मेष में है, तो मेष में हम नेगेटिव लिखेंगे जीरो जी। फिर अपने से दूसरी भी नहीं है, तो दूसरी राशि जो है तुल वृषभ, वृषभ उसमें भी जीरो यानी नेगेटिव है जी। फिर अपने से तीसरी में शुभ है चंद्रमा, अपने से तीसरा यानी मिथुन में, तो हमने यहाँ एक लिखा मिथुन में पॉजिटिव। फिर अपने से चौथी और पांचवी यानी कर्क और सिंह में, देखिए चौथी पांचवी भी यहाँ नहीं है, बराबर है, तो चौथी पांचवी है चंद्र से, एक दो तीन चार और पांच यानी कर्क और सिंह में भी नेगेटिव है, तो इस तरह से हम काउंट करना है, देखिए ये नेगेटिव है यहाँ। उसके बाद में फिर छह में या अपने से छठी के लिए, एक दो तीन चार पांच छह, तो कन्या में हम क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, अपने से छठी शुभ है चंद्रमा, चंद्रमा ये हम क्या कहेंगे चंद्रमा ने इसे चार लाइनें दी हैं, यूं कहेंगे हम चार चार लाइन यानी शुभ, चार चार घर में ये चार राशि में शुभ फल देगा चंद्रमा, कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे प्लानेट को आप इस तरह से देखिए, आप आपको ये चार्ट में भेज दूंगा, आप सारे इसको निकाल के देखिए, सारे के सारे लग्नों को भी निकालिए आप। हाँ, अब फिर क्या करना है, ये आप टोटल है ना मेष राशि, मेष राशि में सूर्य के भंडाष्टक में कितने पॉइंट है ये देखिए, एक इस तरह से टोटल मारे दो, फिर तीन हुए ना टोटल, ये मेष राशि में सूर्य के भंडाष्टक वर्ग में सारे प्लानेट ने मेष राशि में कितने पॉइंट दिए, तीन तीन पॉइंट, सारे के सारे प्लानेट ने और लग्न ने मिला के वृषभ में चार, मिथुन में छह, कर्क में पांच, सिंह में पांच, तुला में सॉरी कन्या में चार, तुला में तीन, वृश्चिक में तीन, धनु में तीन, मकर में तीन, कुंभ में पांच और मीन में चार। तो इस तरह से सारे प्लानेट ने हर एक राशि में अपना अपना योगदान दिया है, ये बना आपको समझ में आया सर। मैं आगे हो सर, मैं इसका इजी मेथड बता दूं सर, बता दीजिए सर।
सबसे अच्छी बात जिस राशि में, जैसे ऊपर तो लिस्ट पूरी हमने राशि की बना ली, जिस राशि में बैठा हुआ है जो प्लेनेट वहां से शुरू करेंगे हम, और ये लिस्ट जैसे ये सूर्य बैठा है सातवीं राशि में, तो सातवीं राशि जो तुला राशि है यहाँ से शुरू किया तो जो पहला दूसरा, तो वो इस तरीके से हमारा बिल्कुल सीक्वेंस सही आ जाएगी, यहाँ से यहाँ को चले जाएंगे पीछे को लौट के आ जाएगी। हाँ बराबर, यहाँ तुला में है ना, तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे, यहाँ पे एक लिखा शुरू करेंगे जी सर, यहाँ से आप चलते जाओगे इसमें सर मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ बराबर, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ 12 राशियां लाइन में लिखी है, तो ये शास्त्रोक्त इस तरह से लिखा हुआ है, आप जो कह रहे हैं वो भी अच्छा ठीक है। जैसे ये तुला में है तो तुला से हम शुरुआत करेंगे, स्वयं से, स्वयं को एक पॉइंट दिया, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, फिर 12 राशि तक हम आ गए। तो इस तरह से निकालेंगे, ऐसे ऐसे मून पे आ गए, मून पहली राशि में बैठा है तो यहाँ पे जीरो आ गया, पहली दूसरी तो खाली है इसकी राशि, तो हम इस तरह से भिन्नाष्टक अष्टकवर्ग निकालेंगे। मैंने आपको थोड़ा ओवर भी दिया है, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, चार एवरेज होते हैं, चार से कम है वो वीक है, चार से ज्यादा है ना वो, उसकी जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती आएगी वो बढ़ता जाएगा फिर प्लानेट, जैसे 5-6 उसकी स्ट्रेंथ, उस राशि में उसकी राशि की स्ट्रेंथ अच्छी है वो। हाँ यानी सूर्य मेष राशि में कमजोर है, हम ये कह सकते हैं धनु और मकर में भी खराब रिजल्ट देगा हमें, समझे आप, वृश्चिक में भी हमें खराब रिजल्ट देगा। इस तरह से ये ज्योतिष का विषय है, इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मगर ये सिखाना इस तरह से जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, आगे जाके हमें इसका इस्तेमाल करना है वास्तु में, हमारे जो हाउस प्लानिंग होगा ना, घर की डिजाइन बनेगी उसमें इसका सब्जेक्ट आएगा, ये टॉपिक आएगा, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये किस तरह से निकाला जाता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा आपको बेसिक थोड़ा उसमें आपको बताया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अष्टक वर्ग का परिचय और भिन्नाष्टक वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट जो अभी क्लास जो होगा हमारा मंगलवार को, उसमें हम देखेंगे समुदाय अष्टर्वर्ग, उसको किस तरह से हम निकालते हैं, किस तरह समझते हैं, तो वो हमारा टॉपिक रहेगा उस समय। तब तक मैं आपको ये ग्रुप में डाल दूंगा, जो जरूरी पीडीएफ जैसा है वो ही चार्ट भी आपको डाल दूंगा, वो आप इसको समझने की कोशिश करें और ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की भी कोशिश करें, मोस्टली तो हो जाएगा। और जगन्नाथ होरा वो भी फ्री है, जगन्नाथ होरा ये भी फ्री है, वो भी आप डाउनलोड करें। किसी को कोई अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो यूट्यूब पे जाएं, आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा वो गाइड वीडियो मिल जाएंगे, किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से समझना है, क्योंकि वास्तु करना है तो मेरे हिसाब से ये जो है पराशर लाइट जो है 7 है, वर्जन 7वां है, वो काफी अच्छा है वास्तु के लिहाज से, तो कोशिश करें वो डाउनलोड हो। बाकी अभी जो नया वर्जन जो आया है ना 9 वाला, ये 7 वाला है, काफी पुराना है, तो उस समय इजीली हो जाता था, जैसे कैपिस्टार 1 पहले फ्री में होता था ना, अभी वो भी पेड हो गया है, इस तरह से इसको भी अभी इन्होंने पेड कर दिया है। ये पुराना वर्जन चालू रखा है, जिसने कर लिया है वो पहले कर लिया है, अभी शायद किसका हो जाता है किसका नहीं होता, फिर भी आप कोशिश करें तो वो आपको वहां जरूर मिल जाएगा। फिर आप एक चार्ट अपना खुद का बनाए और आप अपने घर का मैप जो आपने ग्रीडिंग किया हुआ है डिग्री से, वो आप ग्रुप में डाल दें, अपना बर्थ डिटेल ग्रुप में डालें, ताकि फिर आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे फिर आपसे बार बार मांगना ना पड़े, आपकी बर्थ डिटेल, घर के जो मुखिया हैं आपके, किसी के पिताजी हो सकते हैं, किसी के मदर हो सकती हैं, या हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ का चार्ट आप मुझे ग्रुप में डालें। हाँ यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपना देना चाहते हैं तो अपना भी दे सकते हैं और वाइफ का भी दे सकते हैं, किसी का एक दीजिए आप प्लानिंग के लिए, आपको आगे जब हमारा आगे जब क्लास हो, जब हम प्लानिंग करेंगे ना, तब उस चार्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो आप अपना चार्ट इस हिसाब से भेजें जो घर का मुखिया हो, या आप खुद अपने हिसाब से अपना घर का प्लानिंग करवाना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो भले आपका भेजिए, और आपके घर का अभी जो रहते हैं उस घर का यदि आपके पास मैप है तो मैप बना के ग्रीडिंग करके डिग्री के साथ वो आप ग्रुप में डाल दें। पुराने लोग न डालें, उसका है मेरे पास, जो नए लोग हैं वो डालें, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है
जरूर पूछिए। कल केपी की क्लास कल सर होनी है? केपी की क्लास नहीं, अभी सोमवार को होगी केपी की। अच्छा सर। हाँ 7 बजे होगी राकेश जी। ठीक है सर, बढ़िया। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 बजे है ना थोड़ा लोड बढ़ जाता है, तो आंखें जो है ना थोड़ी आंखें है बॉडी है और हमारी इंद्रिया है ना थोड़ी थकान महसूस करती है, तो कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, तो फिर क्या कैमरे बंद हो जाते हैं और फिर पैर पलंग पे लंबे हो जाते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठा लेक्चर देते रहता हूँ और बाकी लोग क्या करते हैं कैमरा बंद करके आराम से माइक लगाकर सोते सुनते हैं, या कोई कोई खिचड़ी बनाता है किचन में, तो ये मुझे नहीं लगता वो उस टॉपिक के साथ अन्याय न्याय हो रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे क्या है, मैंने तो पैसे लिए कह के चला जाऊंगा, मगर आपके लिए नुकसान है। इसलिए मैं सोच रहा था इसमें भी यदि ये टाइम लेट हो रहा है तो हम 7 बजे कर सकते हैं, 7 से 9:30, क्योंकि यदि 9 बजे का है, यदि 9 बजे का है खींचने में क्या होता है फिर थोड़ा सुस्ती होती है, कोई कोई टॉपिक आएगा 2-2, 3-3 घंटे का भी होगा, सब आप जानते हैं राकेश जी। वो सब मेरे लिए तो कल टेम्परेचर था, इस वजह से सर मैंने ऑफ कर दिया था सर। सब मुझे अभी टेम्परेचर है, सर्दी जुकाम है वो ठीक है, मगर आपकी बात सही है, अभी बबीता जी को भी है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, यदि 7 बजे आप सबको अनुकूल है तो नेक्स्ट सर एकदम फर्स्ट क्लास सर। हाँ तो 7 बजे, 7 से 8:30-9 बजे तक। सर नहीं पॉसिबल सर, सर सर 9 o'clock टाइमिंग ठीक है सर, सर 9 o'clock या 9 से बाद भी ठीक है सर। जी सर। हाँ तो इस तरह से मैं सबकी राय ले रहा हूँ, ठीक है फिर 9 बजे सर, 9 बजे या 9 के बाद भी चलेगा, 9:30। जी सर। जी जी ठीक है, कोई माना नहीं, हम 9 बजे रखेंगे। जो केपी का है वो हम 7 बजे रखेंगे राकेश जी, वो सब मोस्टली तैयार है वहाँ, तो उसमें लेडीज ज्यादा है ना, तो वो 9 बजे फ्री हो जाती है, जो भी उनका किचन का काम वगैरह होगा इस तरह से, ठीक है। तो किसी को तो सर सबके साथ तैयार है, जो ऐसे सबकी मर्जी है बस। नहीं ठीक है, कोई वादा नहीं, सबको अनुकूल आना चाहिए वो हिसाब से। एक्चुअली मुझे तो 7 बजे का शुरू होता है और मेरे सारे क्लासेस 7 बजे ही होते थे पहले, हमने जितने भी अभी क्लास किए जितने भी अब तक के ऐसे 7 के बीच के होते थे, पर कुछ लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि जॉब में जाना होता है या अपने काम पे जाना होता है, आने में थोड़ा लेट होता है, बड़ी सिटी में है तो कहीं आने आने में 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं घर पे आने में, ठीक है। उनकी जो सुविधा को मान ध्यान में रखते हुए 9 बजे का रखा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर जैसा जिसको अनुकूलता आएगी वैसे हम करते जाएंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है, मंगेश जी, अमोल जी, किसी का प्रश्न है? सर राशि का जो डायरेक्शन है वो मिलेगा क्या, पूरी 12 राशियां जो है? हाँ जी, उसके डायरेक्शन 12 राशियां की डायरेक्शन। हाँ उसकी जरूरत पड़ेगी ना, समय आएगा तो वो मिल जाएगा, मगर यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ हम प्लान पे बात करेंगे। हाँ वो जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो केपी बेस्ड जो एस्ट्रो वास्तु होता है ना, हिट थियरी वाला, उसमें होता है, वो पूरा अलग कोर्स है, उसमें आप राशि के डायरेक्शन पे जाते हैं, यहाँ हम प्लैनेट के डायरेक्शन पे जाएंगे और मैं आपको पूरा समझाऊंगा हाँ किस तरह से करना है कैसे करना है, आप वो चिंता ना करें। डायरेक्शन की सीट चाहिए तो वो भी ऐसे तो मिल जाएगी, वो तो कहीं पर मिल सकती है, मगर हमें उसका यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, वो एक अलग क्लास है, एस्ट्रो वास्तु हिट थियरी, उसका जो मेन जो फाउंडेशन होता है जो वो हिट थियरी होता है, हिट थियरी से हम किस तरह से उसका वो करेंगे, वो भी काफी एडवांस पे है, बॉडी वास्तु भी है, वो हम बाद में जरूर पड़ेगी मैं आपको दे दूंगा, मगर इसमें जरूरत नहीं है हमारे। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़े, 2 मिनट हम प्रार्थना करें, किसी का कोई प्रश्न है तो ग्रुप में जरूर डालें या आप भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सबको हम शुभ रात्रि कहते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, सभी गुरुजनों को, हमारे सभी पितृदेवों को, कुल देवी को, कुल देवता आपके जो भी हैं उन्हें आप धन्यवाद दें, और यही जो विज्ञान है या जो आपको अभी मिल रहा है, जो शास्त्र मिल रहा है, उसका आप आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए, यानी आपके पास जो भी आपका क्लाइंट आता है उसके लिए फायदेमंद हो, उससे आप आपके इसी विद्या से आप आपके सारे सपने पूरे करें जो भी हैं, और सामने वाले को भी ऐसा उपाय बताएं इसी विद्या से, ताकि वो भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी करें, सब लोग समृद्ध हो इसी विद्या से। तो यही प्रार्थना के साथ हम गुरुजनों को, कुलदेवी कुलदेवता जो भी आपके हैं उनको और हमारे सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद देते हैं,
और 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग म्यूट रखें और प्रार्थना में, और धन्यवाद दें अपने सभी गुरुजनों को।